दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल इंटरप्राइम में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 3। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमोन लेवेंडर टेल। तो पिछले ही एपिसोड में गोस्ट टावर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पे हमारा मेन मिशन होता है वल्पेक्स को ढूंढना। हम फाइनली वल्पेक्स को ढूंढ लेते हैं। वहां पे हमें कुछ रेफ्यूजीज मिलते हैं जो हम पे फंसे होते हैं, और जो मतलब डगस्टॉक होता है वो उनको काबू करके हमसे फाइट वगैरह करवाता है। तो फाइनली उसको डिफीट कर देते हैं और डगस्टॉक को भी हम हरा देते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समझ पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है। दोस्तों ये है इलेक्ट्राइड, सबसे पहले आंसर दिया है यार भाई ने, फिर दिया प्रियांशु भाई ने, फिर दिया सुपर बूट गेमर। दोस्तों ये वो डी पोकेमोन आर्ट फैन थे जिन्हें जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन आर्ट फैन तभी जवाब दे पाओगे, तो कोजगर स्क्रीन पे आने वाला। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, उससे पहले मैं देख लेता हूँ पोकेमोन वगैरह की हमारी हेल्थ फुल है कि नहीं। थोड़ी सी हेल्थ कम है, तो यार पहले मैं एचपी वगैरह फुल कर लेता हूँ। तो गाइस मेरी एचपी वगैरह फुल हो चुकी है। अब यहाँ से हम इस लड़की से बात करते हैं, क्योंकि जो वो मिस्टर फूजी थे वो यहाँ पे नहीं है, और लगता है मेरे साथ वो टावर के अंदर जा चुके हैं। तो हम उनसे मिल के आते हैं। एक मिनट यार, मैं सोच रहा था मैं कुछ रिपेयर्स वगैरह खरीद लेता हूँ। अरे हाँ यार, कुछ रिपेयर ले लेते हैं। मैं सारे पैसे रिपेयर्स पर उड़ा देता हूँ भाई। चलो रिपेयर लेके आता हूँ मैं। तो गैस मैंने रिपल भी ले लिए हुए हैं, और मेरे पास रिपल 21 के करीब हो चुके हैं। अब हम इसको यूज़ बाद में कर लेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं भाई ऊपर की साइड। मेरे हिसाब से हमें गैरी ओक मिलने वाला होगा, तो हम इसको डिफीट करने वाले हैं। ओके यहाँ पे गैरी है। ओके अगर हमें यहाँ पे पोकेमोन वगैरह आ जाए तो मैं बैटल करके अपना लेवल गेन कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से कोई पोकेमोन यहाँ पे नहीं आने वाला, तो गैरी से बैटल करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके देखते हैं गैरी के पास वैसे भी बल्बासोर आने वाला है या आइवासोर होगा गैरी के पास। तो मेरे हिसाब से मेरा इस वीडियो के अंदर अपना 4 मिलियन शायद 40,000 बन जाए। हाँ 35 के करीब तो हो ही जाएगा, इतना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा 4 मिलियन का। यहाँ पे पहला पोकेमोन आ चुका है उसका पिजियोटो, और मैं इसके खिलाफ यूज़ करूँगा 4 मिलियन। हम करेंगे बर्स्ट बॉर्न, और मेरे हिसाब से सुपर इफेक्टिव होने वाला है और ये सर्वाइव नहीं करेगा। ओके यहाँ पे मैंने कर दिया बर्न, मेरे सबसे पूरा जाएगा ये। ओके ये हुई ना ब्लास्ट बर्न की पावर। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉप में कौन सा आने वाला है। मेरे हिसाब से अब आने वाला होगा आइवासोर। 32 का हो गया 4 मिलियन, ठीक है, मतलब शायद 4 लेवल गेन करती विकसित। ओके गैराडॉस, गैराडॉस पे एंशिएंट पावर शायद सुपर इफेक्टिव है, पर सेलिबी का लेवल कम है, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेलिबी को, बाकी हम देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे आने वाला उसका गैराडॉस कितने का होगा, 30 का। ओ नहीं 23 का है, फिर तो ठीक है भाई, शायद हम इसको डिफीट कर पाएँ। एंशिएंट पावर ही है जो कुछ कर सकती है यहाँ पे, तो देखते हैं। बाकी इसको आर्म थ्रस्ट आता होगा इसके गैराडॉस को, अगर वो कन्फ्यूज है ना आर्म थ्रस्ट करने के बाद अगर हम लोग मरे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये प्लान काम कर जाए ज़्यादा बेटर है। ओके इसने आर्म थ्रस्ट कर ही दिया, ये हुई ना बात। ओके डैमेज बहुत गंदा है इसका, चलो थोड़ी एच पी बढ़ा देते हैं हम लोग। तभी मैंने इसके जो सामान वगैरह होल्ड थे ना आइटम्स वगैरह, मैंने वो हटाए नहीं थे, मैंने वो आइटम्स वगैरह काम किए होते हैं। गैराडॉस जाएगा पूरा, अरे यार सुपर इफेक्टिव था, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता ना शायद ये पूरा ज़्यादा चला जाता। अब प्लीज़ कन्फ्यूज़ हो जाना यार गैराडॉस, शायद तुम हर्ट बाई इटसेल्फ हो जाओ और हम आराम से जीत जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे एंशिएंट पावर ख़त्म होने वाले हैं। हाँ ख़त्म होने वाले होंगे अब तो। ओके इसके बाद तुम ख़त्म हो, अगर तुम पोशन ना लो तो। आर्म थ्रस्ट किया, शायद अब भी कन्फ्यूज़ हो जाए क्योंकि ज़्यादा बार किया इसने आर्म थ्रस्ट, कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, देख लेते हैं। कन्फ्यूज़ हो गया, बस हर्ट बाई इटसेल्फ हो जाए, हर्ट बाई इटसेल्फ मज़ा आ जाएगा। चलो हमारा एंशिएंट पावर लग ही गया, तो इसी के साथ हमने इसको फाइनली डिफीट कर दिया। और इसके पास मेरे हिसाब से आने वाला होगा ग्राउली, मतलब नॉर्मली लगता है गैरी, प्लस इसके पास होगा एक आइवासोर। 4 पोकेमोन टोटल ना इसके पास, देखते हैं कौन सा आने वाला है। ग्राउलिथ, ओके ग्राउलिथ के खिलाफ मैं यूज़ करूँगा फारफेश को, क्या बोलते हैं कुछ करता है फारफेश यहाँ पे। इसको फ्यूरी स्वाइप आता है, और मेरे हिसाब से खोर मूव आता है, वो बग टाइप में आता है मेरे हिसाब से। हाँ वो बग टाइप मूव है, वो वैसे हमारे काम क्या आएगा बग टाइप मूव हमारे वैसे। चलो कोई बात नहीं रख लेते हैं, हमें नहीं पता कितनी लड़ाइयाँ भी लड़नी है हम लोगों ने। ओके तो ये रहा, पहले हम नॉक ऑफ करके देखते हैं, अगर कोई आइटम वगैरह होगी तो गिर जाएगी इसकी। अरे नहीं गिरी यार, चांस भी कम होते ना शायद गिरने के। ओके मैं यहाँ पे फ्यूरी अटैक कर देता हूँ, कितना डैमेज होगा इसका। प्लीज़ 4 बार हिट या 5 बार हिट कर देना, एक बार फिर, बस 3 बार किया इसने, 3 बार हिट करता है क्या। ओके एम्बर लग गया थोड़ा सा, मैं यूज़ करता हूँ यार, ये बग टाइम मूव काम ही नहीं करेगा भाई, मतलब तो कितनी एचपी गई होगी, मेरे सबसे एक हेल्थ मसा गई इसकी। ओके लगता है मेंबर से जाने वाले हैं पूरे, बच गए यार।
ओके फिर अटैक करते हैं दोबारा। इस बार एक रालू जाएगा, इसके पास वाइबासोर बचा इसका, और वाइबासोर को हम देख लेंगे, वो इतने की बड़ी बात नहीं, वाइबासोर से तो निपट लेंगे हम लोग। देखते हैं अब इसका आने वाला है लास्ट वाइबासोर, उसके खिलाफ हम यूज़ करेंगे अपना चार्मेलियन को। ओके चार्मेलियन तुम्हारी बारी है, यहाँ पे क्या होगा इसके पास, क्या कौन से मूव हो सकते हैं इसके पास, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से मूव सीख सकता है वाइबासोर, रिजलीफ, वाइंड वेव, और कौन से मूव आते होंगे। ओ एक मिनट, मैंने देखा नहीं कडाबरा भी है इसके पास। ओके फ्लेम बस चल जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद वो आने वाला वीनस और मैंने गौर नहीं किया अपना वाइबासोर, सॉरी अब पक्का वाइबासोर आएगा यहाँ पे। वाइबासोर आ गया, तो कहाँ पे थे हम लोग, इसको वाइंड वेव आता होगा, रिजली आता होगा, वो ग्रोथ वगैरह कर लेगा, कुछ पैसिव स्किल रखे होंगे इसने। नहीं 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 यार स्लीपिंग पाउडर, मैंने ये क्यों नहीं सोचा भाई, उसको ये भी तो आता होगा। अरे यहाँ पे गलत सीन हो गया, मेरे पास पोशंस भी नहीं है स्लीपिंग पोशन के लिए, क्या कर सकते हैं आप। हम यूज़ करते हैं 90 एल्स को, 90 एल्स को फायर टाइम मूव आता नहीं कोई। हाँ पर हम इसको बर्न कर सकते हैं, चलो बर्न कर देते हैं, और मतलब एक तरह से हीलिंग बैटल हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे मार पाएगा नहीं, और मैं इसको ईजिली मतलब बर्न कर देंगे अगर पोशन ना ले तो हम जीत सकते हैं। चलो मैं बर्न करके देख लेते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे। ये लो वीनसोर बर्न हो गया, सॉरी आई वा सॉरी यार, मैं वीनसोर क्यों बोल रहा हूँ उसको। ओ यार इसने स्लीपिंग पाउडर फिर दोबारा कर दिया, क्या ही कर सकते हैं अब, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, हम अटैक वगैरह करते रहते हैं, अगर ये बर्न वगैरह जल्दी हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। यार अगर 9 टेल्स उठ जाएगी तो मेरे हिसाब से ये उठ गई है, पर इसको फायर टाइम मूव तो कुछ आता नहीं। अरे यार काश मैं 4 मिलियन का रख लेता, मैंने इतना टाइम ख़राब कर दिया। एक मिनट यार अब इसको आप 4 मिलियन का लेके आऊँ, पर नहीं यार हम फायर फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं भाई। मेरे हिसाब से फायर फ्लैश को एक बग टाइम मूव आता है, और मतलब ग्रास टाइप के वैसे बग टाइम मूव सुपर इफेक्टिव ही होते हैं, तो हाँ फायर फ्लैश यहाँ पे काम आ सकता है, बस ये उसको स्लीप ना कर दे। अरे यार बात वहीं पे आ गई, मैंने दिमाग पहले काम क्यों नहीं किया यार, ये वाइट जा लंबी जा रही है फालतू में, मेरे पास पोशंस भी नहीं है अभी, मैंने सारे पैसे मतलब सुपर पोशंस पे उड़ा दिए, क्या कर सकता हूँ अब यहाँ पे। अब यार कैसे अटैक करूँ, ये बर्न होता है, बस पोशन ना ले ये तो हम आराम से जीत सकते हैं दोबारा। इसने रेजर लीफ किया, डैमेज कुछ खास नहीं है रेजर लीफ का इसका, क्योंकि हमारे पास टाइम एडवांटेज है यहाँ पे। प्लीज़ प्लीज़ चला जा यार, थोड़ी सी हेल्थ बची है तेरी, पूरा बर्न हो जा, क्या कर सकते हैं यार। ओके रेजर लीफ दोबारा किया उसने, अरे यार प्लीज़ बर्न हो जाए, बर्न। ओके यार फाइनली, ओ यार मरा नहीं, एक ख्याल तो बची है यार उसकी, प्लीज़ एक लास्ट बार बर्न हो जा, कोई भी अटैक कर दे और बर्न हो जा भाई, बस एक बार। चलो बढ़िया यार, हमारे भली 8 हेल्थ बची क्रिट्स के साथ, पर हाँ ये जा चला गया पूरा, आई बस और ख़त्म है। इस हमने गैरी ओक को डिफीट कर दिया हुआ है, हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, पर भाई मेरे हिसाब से हमें कुछ आगे फाइट्स देखने को मिल सकती हैं, तो बेटर होगा कि हमें पोशन वगैरह देना चाहिए था, वैसे पोशंस तो पड़े हैं, बाकी पोकेमोन सेंटर जाके मैं एचपी वगैरह फुल कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं भाई। गैरी देखते हैं कुछ काम की चीज़ देता है कि नहीं देता है, क्यूबॉन मतलब, अच्छा गैरी ने क्यूबॉन दिया पता नहीं क्यों। चलो हमारे पास 6 पोकेमोन हो चुके हैं, यहाँ से मैंने एचपी वगैरह फुल कर लिया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। ये देखो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये हमसे बैटल नहीं कर रही है, चलो बढ़िया मत करें बैटल, आगे इस पर कुछ लोग तो बैटल करेंगे ज़रूर, मुझे पता है यार, क्या कर सकते हैं। चलो जाकर देख लेते हैं यहाँ पे, पहली बैटल हमारी शुरू हो जाएगी। हाँ चलो इसको डिफीट कर देता हूँ मैं, चलो यार ये तो हार गया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऊपर पोकेबॉल है, करना भी क्या पोकेबॉल का, छोड़ो इसके ऊपर टॉप पे चलते हैं, वहीं पे हमें घूस देखने को मिलेगा। अरे भाई इसमें तो अवेकनिंग था, ये हमारे काम की चीज़ थी, पर ये मिले बहुत देर बाद है हमें। चलो इसको भी डिफीट कर देता हूँ मैं, और नीचे पोकेबॉल देखते हैं भाई इसमें क्या है, कोई काम की चीज़ है कि नहीं है। ओके सुपर पोशन रख लेते हैं, ये भी काम की चीज़ है, ये लड़की बैटल करेगी, इसको डिफीट करना पड़ेगा हम लोगों को।
चलो ऊपर देखते हैं अब इसके क्या सीन है, क्या हम टॉप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे अभी। नहीं अभी भी बैटल के सीन है, चलो नीचे की साइड से देखता हूँ। ओ इससे इसको डिफीट कर देता हूँ, चलो आज इसको डिफीट करके मेरे हिसाब से इसके बाद टॉप पे हम जाने वाले हैं। ये मेरे सेकंड लास्ट होगी मेरे सबसे स्टेयर्स। ओके ये भी पड़ी है थोड़ी सी, इसको डिफीट करते हैं। उसके ऊपर एक लड़की होगी, उसको डिफीट करना पड़ेगा। इस पोकेबॉल में क्या है? ओके एक्यूरेसी, एक्स एक्यूरेसी रख लेते हैं हम इसको। इसके ऊपर वाला देखते हैं। ओके यहाँ पे पोकेमॉन आने वाला, घोस्ट होगा यहाँ पे नॉर्मली, पोकेमॉन तो नहीं आएंगे अब। हाँ हमारे पास वो स्कोप वगैरह नहीं है तो हम आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो कि ये घोस्ट है कि कोई घोस्ट पोकेमॉन है। मुझे पता है ये गेंगार गैस्ली ये सब लोग होते हैं। इसको भी डिफीट कर देते हैं हम लोग। क्या मतलब इसको ये मतलब लास्ट पार्ट होने वाला है क्या गेम का? मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, पर शायद मेरे हिसाब से लास्ट भी हो सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सक्ता है। अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ पड़ी है पेंडिंग, क्योंकि ये मतलब नॉर्मली इस गेम का नाम ही लेवेंडर टेल था, तो मेरे हिसाब से मतलब बैच जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है इसमें यहाँ पे बैच को जीतना और पोकेमॉन लीग में जाना, क्योंकि ये लेवेंडर टेल थी खाली मिस्ट्री सॉल्व करनी थी, वो करने वाले हैं। बढ़िया, उस लड़की को डिफीट करने के बाद 4,040,000 बन गया हमारा, बेनिफिट हो गया भाई हमारा, क्योंकि मैंने कुछ बैटल्स वगैरह जो हमने की थी ना उस पर हमारा लेवल वगैरह गेन हो गया, जो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेवल गेन होने चाहिए थे। पर अगर फाइनल है बैटल, चार्जर पूरा इवॉल्व हो चुका है, पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व है हमारे पास। ओके विंग अटैक तो मैं सिखा देता हूँ, वैसे भी इसको मेरे हिसाब से मेटल क्लो आता है, इसको हटा के हम लोग ये विंग अटैक सिखा देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई हम क्यू बॉन के घोस्ट को एक बार में डिफीट कर पाते हैं कि नहीं। नहीं मैरो बैक होता ना शायद, हाँ चलो। एक मेरे पास वो स्कोप वगैरह तो नहीं, वो जियो वानी के वहाँ से मिलता होता है ना, रेयर कैंडी, चलो रख लेते हैं, काम आएगा तो रख लें, यूज़ कर लेंगे, नहीं तो नहीं। से दोबारा आ चुका है यहाँ पे घोस्ट और मुझे रन करना चाहिए, रन हो जाएगा इस बार। वो हो गया, मतलब क्या सीन है मुझे नहीं पता, शायद हम जा पाए ऊपर। वो चले गए हम लोग, वाह इसके ऊपर ये रहा मिस्टर फ्यूजी, हम इनसे बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या सीन होने वाला मिस्टर फ्यूजी। ओके यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो घोस्ट अपेयर हो गया वहाँ पे, यही है वो घोस्ट यार जो हमें स्टार्टिंग में देखा था। ओके इन्होंने हमें वो दे दिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कौन सा पोकेमॉन है। नो एक मिला था मिस्टर फूजी को, उसने मार दिया मे बी शायद, मतलब क्या सीन था, क्या हो सकता है। ओके यहाँ पे वही आएगा मैरोवैक, हाँ मैरोवैक है ये, वही जो हमारे पास क्यूबॉन है ना उसकी मदर है, तो उनको डिफीट करना पड़ेगा हम लोगों को। यही वो मतलब वो टावर की घोस्ट थी ना, बाकी मुझे इसकी मेन स्टोरी वैसे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। इसको वन शॉट कर देते हैं, वन शॉट हो ही जाएगी, 30 की है ना, हाँ हो गई, मतलब घोस्ट डिसअपेयर हो गया है। इसके बाद देख लेंगे मिस्टर फूजी कहाँ जाने वाले हैं, मतलब है भी है कि वो मतलब चले गए हैं मिस्टर फूजी सर, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। ओके इस तरफ को पोकेमॉन आ रहा है, अब तो आइडेंटिफाई हो ही जाते कौन सा पोकेमॉन है। ओके गैसली है यहाँ पे, ठीक है रन कर लेते हैं, गैसली की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके यहाँ पे देखते हैं इस तरफ क्या सीन है भाई। मेरे पास ये रहा सुपर रिपेल, इनको यूज़ करके हम नीचे चलते हैं यार, देखते हैं क्या सीन है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमें जाना ही चाहिए सिटी में, जाते हैं मिस्टर फूजी का जहाँ पे घर है, देखते हैं मिस्टर फूजी वहाँ पे है भी है कि नहीं है, या फिर हमें मतलब गेम एंड हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे दो एंड वगैरह कुछ लिखा तो आया नहीं। चलो जाकर देखते हैं, कुछ बैटल्स वगैरह के यहाँ पे सीन होंगे तो वो मैं अब कट कर दूंगा क्योंकि दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कोशिश मेरी है कि हम बच बच के चले जाएं, फिर भी कुछ लोग ऐसे ये लड़की ने पकड़ लिया, इसको मैंने डिफ़ीट किया नहीं था तो इसको डिफ़ीट कर देते हैं हम लोग। चलो हम टावर से नीचे तो आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या सीन है बाहर की साइड। चलो यहाँ पे आके पहले मिस्टर फूजी के घर पे जाकर देखते हैं, इस बंदे से बात करनी जो बाहर खड़ा है, इससे हम बाप में बात करते हैं, पहले अंदर बात करते हैं, मिस्टर फूजी यहाँ पे नहीं है। ओके इस बंदे से हम बात करें, इससे पूछें क्या सीन है वगैरह, भाई जा सकते हैं यहाँ से हम लोग बाहर? नहीं जा सकते हैं, तो मतलब
गेम में हमें जहाँ बाहर तरफ जाने दे रहे, तो मतलब मिस्टर फूजी का घर मेन है, किस बंदे से हम बात करें। तो भाई पता नहीं क्या सीन है, इस तरफ को जाकर देखते हैं अंदर। यहाँ पे इस बंदे से पहले बात करते हैं। सर मिस्टर फूजी, या लड़की से हम बात करते हैं। ओके मुझे कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, पर लगता है मिस्टर फूजी नहीं रहे, मे बी हाँ शायद, क्योंकि घोस्ट ने अटैक किया था ना उन पर। नहीं है मिस्टर फूजी यार, वो एक बार उस लड़की से बात कर लेते हैं जो घोस्ट टावर के पास खड़ी होती है, क्योंकि जो इस लड़की से बात करने के बाद मतलब गेम एंड ही है हमारी फिर। हाँ मतलब गेम एंड हो गई है, तो बस फिर यार मतलब ये गेम ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट गेम कौन सी खेलते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस वगैरह हैं तो कमेंट में डाल दीजिए। तो बस फिर यार आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।